ਬੱਚਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਤਾ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਦੇ ਨਾ ਖਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੁੜਤੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜਤੀ ਅੱਛਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਦੇ ਨਾ ਤੈ ਕਰ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਸੀਈਓ ਹੈ ਰਮਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਹੋਗਾ ਬੰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਭੱਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਹੈ ਰੋਮੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਿਪੋਰਟਸ ਮੇ ਐਮਬੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਰਮਨ ਦੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਬੜਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ आपको मम्मी जी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया नहीं कुछ चीजें जो शायद आपने मुझे बेवकूफ बना रहे थे अपनी बेटी की तारीफ को कुर्बान दिए जी पर इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई इतनी देर से हम बात कर रहे हैं बट आपको ये बात भी नहीं लगा कि आप मुझे ये वाली बात बताओ ये बात भी नहीं लगा कि आप मुझे ये वाली बात बताओ कितना समझाया मैंने आपको लेकिन आपको अपनी मर्जी चलानी होती है अरे पिछले दिनों ही आपकी ना समझी की वजह से सिमी की जिंदगी में कितना बड़ा कांड हो गया और आप बेटी बार बार वही गलतियां दोहराती है रिश्ता तय होने जा रहा है आपको पता है जो सारिका के साथ हुआ है और सारिका के साथ थी इशिता के तो आपको कैसा लग रहा है क्या आप अपोज करेंगी उस चीज़ को जब फैमिली कल्चर्ड हो तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है रूमी थैंकफुली खुद इतना ज़्यादा सुधर चुका है उसको अपनी गलतियों का एहसास है कि हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसने खुद ही ने सामने से बता दिया कि उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उसने खुल के उसके बारे में बात की एंड सामने वाले को पहले ही आगाह कर दिया जैसे कि इनफैक्ट पहले इशिता किया करती थी मैं जब मुझे भी बच्चा नहीं हो सकता था एंड ये बात शादी के पहले मैं सबको बता देती थी तो जिसके लिए ये बात ओके थी उससे मेरी शादी हुई वरना शायद मैं शादी करती भी नहीं वैसे आपकी मम्मी जी काफ़ी टूट गई हैं मम्मी जी एक टिपिकल माँ है वो चाहती है कि उनका बेटा खुश रहे सुखी रहे उसकी आगे चल के शादी हो बच्चा हो टिपिकल माँ वाली सोच है और चूंकि वो सब नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली उनको तो बुरा लगेगा ही इसी तरीके से सारिका को वापस लाने की कोशिश करेंगी इशिता एक्चुअली कोशिशें पहले से चल रही लेकिन इस बारे में मुझे नहीं पता था अगर शायद मुझे पहले पता चल गया होता तो मैं तो घर की सबसे बड़ी जासूस हूँ मैं ले ही आती सारिका आखिर में मामला मुझ तक पहुँचेगा यू नो वो हायर अथॉरिटीज़ तक बहुत बाद में आता है मामला तो मेरे पास बाद में आएगा फिर मैं सब कुछ सुलझा दूँगी आखिरकार इशिता ही सारिका को लेके आएगी यार मुझे पता नहीं एक्चुअली आगे की स्टोरी मैंने सुनी नहीं है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम लेकिन अगर मेरे हाथ में मामला आया तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगी कि पूरी तह तक जाऊँ मैं तो आप मम्मी जी को किस तरह समझाएंगे जैसे उनकी माँ की एक भावनाएँ होती है वो तो कैसे आएंगी सारिका यू नो सारिका वापस आए बीच में चाहती भी थी तब सारिका ने मना कर दिया था मम्मी जी का कुछ इधर उधर डिसीजन चल रहा है तो उसको कैसे इशू आई थिंक मम्मी जी को सारिका से ज़्यादा इंटरेस्ट है अपने अपने पोते में पोते पोती जो भी है उसमें सो डेफिनेटली वो उसको लाना चाहती हैं उनको
सारिका इज लाइक अ कम्बाइंड पैकेज कि अब जब बच्चा ला रहे हैं तो फिर माँ भी चलेगी, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन अभी तक हमने उतनी डिटेल से बातें की नहीं है, अब पता चलेगा कि मम्मी जी का क्या टेक है इस बात पे. थैंक यू.